नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 फरवरी दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य सरकार ने आयोजित की फोटोग्राफी प्रतियोगिता। बिहार एसटीईटी 2022 का एडमिट कार्ड अभ्यर्थी इस दिन से कर सकते हैं डाउनलोड। बिहार के सभी इलाकों में बढ़ी गर्मी। बिहार दिवस के मौके पर जीविका दीदियां दर्शाएंगी आत्मनिर्भर बनने की यात्रा। सुनील गावस्कर ने बताए पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर के तिक्रम। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। TSSPTCL में 1553 पदों पर निकलेगी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। द सॉल्थन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड के द्वारा जूनियर लाइनमैन के 1553 पदों पर वैकेंसी निकाली जाने वाली है। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया की शुरुआत 8 मार्च से होगी, जो कि 28 मार्च तक रहेगी। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को ITI के साथ SSLC या SSC या 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार को इलेक्ट्रिकल ट्रेड वायरमैन या 2 साल का इंटरमीडिएट वोकेशनल विद्युत व्यापार में पाठ्यक्रम करना भी अनिवार्य है। इस वैकेंसी के संबंध में अधिक जानकारी पाने के लिए या आवेदन करने के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट www.tssouthern.power.com पर जा सकते हैं। बीते दिन खत्म हुआ किसान समागम। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप को अंतिम रूप देने के लिए बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना के बापू सभागार में 47,000 किसानों के साथ किसान समागम किया गया। हालांकि इस दौरान उप मुख्यमंत्री समागम में 2 घंटे देर से पहुंचे। इस दौरान सीएम नीतीश एक अफसर पर भड़क गए। दरअसल वह अफसर हिंदी अंग्रेजी के शब्दों को मिलाकर बोल रहा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार है इसलिए लोकल भाषा बोलिए, हिंदी में बोलिए। किसानों के बीच अंग्रेजी शब्द बोलने से क्या फायदा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने भी अंग्रेजी मीडियम इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन जहां भी जाता हूं वहां की भाषा को सीखने की कोशिश जरूर करता हूं। इसके अलावा चौथे कृषि रोड मैप को लेकर कृषि विभाग के सचिव ने कहा है कि राज्य में फसल विविधीकरण के अंतर्गत विधान गेहूं के साथ साथ मक्का, दलहन, तिलहन, फल और सब्जी के साथ साथ औषधीय पौधों और फूल की खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार एसटीईटी 2022 का एडमिट कार्ड अभ्यर्थी इस दिन से कर सकते हैं डाउनलोड। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 को लेकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट को जारी कर दिया गया है। बता दें कि जारी किए गए डेट के अनुसार अभ्यर्थी 25 फरवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मालूम हो कि यह परीक्षा 6 मार्च को आयोजित की जा रही है, जो कि 3 पाली में आयोजित की जाएगी। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सूचना जारी कर दी गई है। एसटीईटी 2022 में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी। अभ्यर्थी समिति की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com या biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहारी पोथरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे शिल्पा शुक्ला के बारे में। शिल्पा शुक्ला का जन्म आज ही के दिन 1982 में हुआ था। यह एक भारतीय फिल्म और थिएटर अभिनेत्री हैं। शुक्ला का जन्म बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। शिल्पा शुक्ला ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एमके रैना के थिएटर से की थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2003 में फिल्म खामोश पानी से की थी। इसके बाद वह निर्देशक सुधीर मिश्रा की फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी में नजर आई। इस फिल्म में आलोचकों द्वारा उनके अभिनय की बेहद सराहना की गई। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान शाहरुख खान स्टारर फिल्म चक दे इंडिया की अक्खर बिंदिया नायक की भूमिका से मिली थी। इस फिल्म की पृष्ठभूमि हॉकी के ऊपर आधारित थी। इस फिल्म के उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकन मिला था। उसके बाद निर्देशक अजय बहल की फिल्म बीए पास में नजर आए। इस फिल्म को पेरिस में ऑडियंस चॉइस ऑफ अवार्ड से भी नवाजा गया था। वह हिंदी सिनेमा की कई सुपरहिट फिल्मों में कई मुख्य भूमिकाओं में नजर आ चुकी हैं। राज्य सरकार ने आयोजित की फोटोग्राफी प्रतियोगिता। बिहार सरकार के द्वारा फोटोग्राफर के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें फोटोग्राफर को बिहार में अवस्थित किसी नदी, बराज एवं जलाशय की मौलिक एवं सुंदर तस्वीर ईमेल wrd-bh@nic.in के जरिए भेजनी होगी, या फिर ट्विटर पर निर्धारित #wrdphotocontest और टैग के साथ ट्वीट करनी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रतियोगिता का आयोजन बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के
द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है, जिसका विषय वाटर फॉर लाइफ रखा गया है। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को अपनी तस्वीर के माध्यम से जीवन के लिए जल का महत्व, नदियों को सामाजिक या सांस्कृतिक महत्व, जलाशयों की स्वच्छता महत्व आदि को प्रदर्शित करना है। प्रतियोगिता के लिए तस्वीर भेजने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2023 तक है। चुने गए 5 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को नकद इनाम दिया जाएगा और साथ ही उनका नाम विभाग की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर जारी की जाएगी। होली पर गुजरात और बंगाल से बिहार आना हुआ आसान। होली आने वाली है और ऐसे में सभी लोग अपने अपने घर आना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन में जगह न मिल पाने से वह अपने घर नहीं पहुंच पाते। यात्रियों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए रेलवे के द्वारा गुजरात और बंगाल से बिहार आने वाले लोगों के लिए 2 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया गया है। इस बात की जानकारी पुमरे के CPRO वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 2 होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है उनमें अहमदाबाद पटना होली स्पेशल ट्रेन और हावड़ा रक्सौल ट्रेन शामिल है। इससे पहले भी रेलवे के द्वारा बिहार आने वालों के लिए 18 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत की जा चुकी है। बिहार दिवस के मौके पर जीविका दीदियां दर्शाएंगी आत्मनिर्भर बनने की यात्रा। बिहार दिवस के मौके पर बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 22 मार्च से 3 दिवसीय बिहार दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जीविका दीदियों के द्वारा आत्मनिर्भर बनने की यात्रा को प्रदर्शनी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि इनका पवेलियन 20,000 वर्ग फुट में बनाया जाएगा, जिसमें करीब 30 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें जीविका दीदियों के द्वारा खुद से बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा और साथ ही उत्पादों पर किस तरह कार्य किया जा रहा है इसकी भी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बता दें कि इस बार का बिहार दिवस विषय युवा शक्ति बिहार की प्रगति पर आधारित है। इस बात की जानकारी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका की परियोजना समन्वयक महुआ राय चौधरी के द्वारा दी गई है। बिहार के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 2,00,000 पदों पर जल्द होगी बहाली। सामान्य प्रशासन और नगर विकास विभाग के द्वारा बिहार के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 2,00,000 पदों पर बहाली को लेकर प्रस्तावित नई नियमावली को हरी झंडी दिखा दी गई है, जिसके बाद अब इस बहाली को लेकर वित्त और विधि सहित कुल 3 विभागों की अनुमति लेनी बाकी रह गई है, जिसको लेकर ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इन विभागों से इसी हफ्ते हर हाल में अनुमति ले ली जाएगी, जिसके बाद अगले कैबिनेट बैठक में विधिवत नियमावली को मंजूरी दे दी जाएगी। इसके बाद परीक्षा का विज्ञापन जारी कर नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बहाली को लेकर सामान्य प्रशासन और नगर विकास विभाग के द्वारा हरी झंडी अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में दी गई और साथ ही शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समिति के द्वारा इस पर विचार मंथन भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में नगर निकाय चुनाव पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके महेश्वरी की पीठ के द्वारा नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर 20 फरवरी को सुनवाई की गई, जिसमें बिहार सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय की मांग की गई है, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा सुनवाई को टाल दिया गया है और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद की जाएगी। बता दें कि नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई थी और बिहार सरकार के द्वारा अक्टूबर महीने में अति पिछड़ा आयोग गठित करके 2 माह के भीतर ही जल्दी जल्दी में अपना रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई थी, लेकिन उससे पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को डेडिकेटेड मानने से इनकार कर दिया। हालांकि इसके बाद भी सरकार के द्वारा उस कमेटी की रिपोर्ट पर चुनाव करवा दी गई। नीति आयोग की शिक्षा रैंकिंग में बिहार का यह जिला अव्वल। नीति आयोग के द्वारा देश के 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का शेखपुरा जिला पहले स्थान पर आया है तो वहीं पूर्णिया को तीसरा स्थान मिला है। बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा इन जिलों को विकसित करने के लिए विशेष सहायता राशि दी जाती है, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय स्थिति और आधारभूत संरचना जैसे प्रमुख चीजों को शामिल किया जाता है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य रूप से स्कूल में पढ़ाई, लाइब्रेरी की सुविधा, स्कूलों में आधारभूत संरचना जिसमें टॉयलेट और पेयजल को विकसित किया जाता है, ताकि पिछड़े श्रेणी के ये जिले देश और राज्य के दूसरे जिलों के साथ विकास के पैमाने पर बराबर में आ सके। बिहार में यहां लगेगा रोजगार मेला। अगर आप भी उन युवाओं में से हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और रोजगार की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आज यानी कि 22 फरवरी को बिहार के बक्सर में जिला नियोजनालय की तरफ से शहर के ITI ग्राउंड में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। मालूम हो कि इस एक दिवसीय मेले में विभिन्न कंपनियों के द्वारा 800 रिक्त पदों को भरा जाएगा, यानी कि युवा अपना विभिन्न कंपनियों के द्वारा 800 पदों की रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला नियोजनालय के वरिष्ठ अधिकारी
के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस रोजगार मेले में रोजगार के अलावा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वहीं मेले में आने वाले युवा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आकर जानकारी ले सकते हैं। पुआल में छुपाकर रखी 20 कार्टन शराब हुई जब्त। इन दिनों लगातार बिहार पुलिस के द्वारा शराब तस्करों की गिरफ्तारी की जा रही है और भारी मात्रा में शराब बरामद किया जा रहा है। बता दें कि यह ताजा मामला वारसिलीगंज थाना क्षेत्र के कोच गांव के समीप का है, जहां नवादा पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 20 कार्टन शराब जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान पुलिस के द्वारा किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। बता दें कि इसकी जानकारी गुप्त सूचना से थाना प्रभारी आशीष मिश्रा को दी गई थी, जिसके बाद छानबीन करने के दौरान पुआल के अंदर छुपा कर रखी भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस कारोबारी की पहचान कर उत्पाद अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। बिहार के सभी इलाकों में बढ़ी गर्मी। बिहार में मौसम में बदलाव का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में असमय ही गर्मी आ गई है। राजधानी पटना सहित बिहार के मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग अब सिर्फ शर्ट अथवा टी शर्ट में ही बाहर निकलने लगे हैं। हालांकि हवा में फागुन आने का एहसास भी है। ठंडी हवाओं के प्रवाह में कमी देखी जा रही है। अधिकतम तापमान के साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य के सभी जिलों के न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं अगर गंभीर जलवायु परिवर्तन की बात करें तो भारत की लिस्ट में सबसे शीर्ष पर बिहार ही है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण बिहार में बाढ़ और भीषण गर्मी का खतरा मंडरा रहा है। मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। इन दिनों ईडी के द्वारा लगातार आय से अधिक मामलों में बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि ताजा मामला सिवान का है, जहां निगरानी विभाग की टीम के द्वारा सिवान के मैडवा थाना क्षेत्र के लेबड़ी गांव में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर कार्रवाई की गई, जिसमें वीरेंद्र नाम के एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बता दें कि छापेमारी के दौरान कैश सहित आधा दर्जन पासबुक और जमीन का कागजात निगरानी विभाग के द्वारा बरामद किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वीरेंद्र राम झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे थावे मंदिर के बारे में। थावे मंदिर भारत के बिहार राज्य के गोपालगंज जिले के थावे में स्थित मां थावेवाली का मंदिर है। यह गोपालगंज सिवान राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोपालगंज शहर से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बता दें कि मां शक्ति के कई नाम और रूप हैं। मां थावेवाली उनमें से एक है। पूरे भारत में 52 शक्ति पीठ है। यह स्थान भी एक शक्ति पीठ के समान है। इस मंदिर में सुबह 5 से 7 बजे के बीच और शाम 7 बजे भक्त लड्डू, पेड़ा, नारियल और चुनरी से मां का पूजा करते हैं। थावे मंदिर का दृश्य सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार मां को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य दिनों की तुलना में इन दिनों भक्त बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और मां की पूजा करते हैं। विशेष मेला वर्ष में 2 बार चैत्र यानी कि मार्च और अश्विन यानी कि अक्टूबर के महीने में नवरात्र के महान अवसर पर आयोजित किया जाता है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सर्विस में करना होगा सुधार। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं यानी कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को कहा गया है कि वे अपनी सेवाओं में सुधार करें और अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सर्विस उपलब्ध करवाएं। बता दें कि इसको लेकर ट्राई के द्वारा प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के साथ बैठक की गई थी, जिसमें सभी TSP को कॉल म्यूटिंग और वन वे स्पीच के मुद्दे पर प्राथमिकता से कार्रवाई करने को निर्देश दिया गया। इसके साथ ही अब सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को किसी भी जिले या राज्य में लंबी अवधि के लिए नेटवर्क आउटेज की घटनाओं को सूचना ट्राई को देनी होगी और साथ ही सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग टूल का इस्तेमाल करने को कहा गया है। बता दें कि ट्राई के द्वारा यह निर्देश उपभोक्ताओं से मिल रही शिकायतों को देखते हुए दिया गया है। पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ मिश्र को आजीवन कारावास। बीते दिन छपरा के MP MLA स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ADJ तृतीय नलीन कुमार पांडे के द्वारा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ मिश्र को 33 साल पहले किए गए हत्या मामले को लेकर आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। बता दें कि 33 साल पहले 1990 में छपरा के मांझी में चुनाव के दौरान बूथ कब्जा करने के दौरान एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ मिश्र और उनके भाई हरिंद्रनाथ मिश्र आरोपी पाए गए थे और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बता दें कि उस चुनाव के दौरान विधायक और उनके आदमियों के द्वारा चलाई गई गोली से जिस व्यक्ति की मौत हो गई थी उसकी पहचान उमा बिन नामक एक व्यक्ति के रूप में की गई थी, जिसके बाद 1990 से चल रहे इस मामले पर बीते दिन रविंद्रनाथ मिश्र को सजा सुना दी गई।
वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को मिली वाई प्लस श्रेणी की सुविधा। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी को आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। दरअसल आईबी के द्वारा मुकेश सहनी को लेकर एमएचए को एक रिपोर्ट सौंपी गई थी जिसमें उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की गई थी, जिसके बाद उनके सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वाई प्लस श्रेणी दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले हाल ही में चिराग पासवान को भी जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। मालूम हो कि इस तरह की सुरक्षा देश में हाई प्रोफाइल लोगों को दी जाती है। वहीं ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह की सुरक्षा अभी बिहार में कई नेताओं को भी दी जा सकती है। महागठबंधन की रैली की पोस्टर में दिखे लालू नीतीश। आने वाले चुनाव में बिहार का राजनीतिक केंद्र पटना होने के बावजूद भी सीमांचल सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सद्भावना रैली जो कि पिछले साल सितंबर में हुई थी, उसके बाद सीमांचल को साधने के जुगत में महागठबंधन में जुट गया है। शहर के कोने कोने में महागठबंधन की होर्डिंग और पोस्टर लग चुकी है। लालू यादव और नीतीश कुमार को बड़े चेहरे के रूप में महागठबंधन के इस पोस्टर में देखा जा सकता है। यह पहला मौका होगा जब एक ही मंच पर सियासत का इतना बड़ा जमघट पूर्णिया में बदले राजनीतिक परिदृश्य में नए समीकरण बनने के बाद होगा। बता दें कि पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की यह रैली 25 फरवरी को होने जा रही है। 2024 में प्रधानमंत्री पद को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। जिस उपेंद्र कुशवाहा ने पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया था, उसे उपेंद्र कुशवाहा के आज नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनने के बाद बोल बदल गया है। बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा 2024 में प्रधानमंत्री पद को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्षी पार्टी में दर्जन भर से ज्यादा उम्मीदवार है जो चाहते हैं कि वह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। वहीं सभी विपक्षी पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन इन लोगों के बीच कोई तारतम्य नहीं बैठ रहा है। ऐसे में 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा से बंद कमरे में मिले संजय जायसवाल। बीते दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा के बीच मुलाकात हुई, जिससे एक बार फिर राजनीति गलियारे में गर्मी बढ़ गई है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जब से जेडीयू से अलग हुए हैं तब से वे लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। वहीं ऐसे में बीजेपी नेता का उनसे मिलने आना आने वाले समय में कुछ बदलाव को देखा जा सकता है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा दिए जा रहे बयान से यह साफ है कि वे बीजेपी के साथ अपना संबंध गहरा करना चाहते हैं। बता दें कि बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा और संजय जायसवाल के बीच बंद कमरे में गुफ्तगू की गई। अब आगे यह देखना है कि बिहार की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। सुनील गावस्कर ने बताए पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर के तिकड़म। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर के द्वारा मिड डे के लिखे कॉलम में एक तिकड़म के बारे में अपनी राय दे दी गई है जिसे पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर आजमाते थे। उनके अनुसार पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर कॉन्ट्रोवर्सियल कमेंट इसलिए करते थे ताकि उन्हें अटेंशन मिले। उन्होंने कहा कि यह लगभग रोजाना का मामूल बन चुका है कि सीमा पार से कुछ पूर्व खिलाड़ी भारतीय प्लेयर्स की बुराई करते हुए सुने जाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर बेहतर है, लेकिन ये पूर्व क्रिकेटर सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ऐसा करने पर उन्हें तुरंत भारतीय फैन से प्रतिक्रिया मिलेगी जो अपने पसंदीदा खिलाड़ी का बचाव करेंगे। ऐसा होने पर इन पूर्व खिलाड़ियों के फॉलोवर्स की तादाद में बढ़ोतरी होगी जो वो चाहते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारत के मशहूर अर्थशास्त्री जगदीश भगवती की नियुक्ति 22 फरवरी साल 1999 में कोलंबिया में भारतीय राजनीति अर्थव्यवस्था केंद्र के प्रमुख पद पर हुई। 1856 में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक दलितों के हितैषी तथा स्त्री शिक्षा के समर्थक स्वामी श्रद्धानंद का जन्म हुआ। 1885 में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त का जन्म हुआ। 1906 में भारतीय शिक्षाविद व राजनीतिज्ञ हुमायूं कबीर का जन्म हुआ। 1906 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी का जन्म हुआ। 1920 में भारतीय सिनेमा के अभिनेता कमल कपूर का जन्म हुआ। मुगल सम्राट नसरुद्दीन हुमायूं का 1556 में निधन हुआ। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का 1944 में निधन हुआ। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का 1958 में निधन हुआ। भारत और पाकिस्तान के प्रसिद्ध उर्दू कवि जोस मलिहाबादी का 1982 में निधन हुआ।
मोबाइल खबर में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हुई जरूरी नहीं। ऐसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक वायरल व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने 6,000 रुपए का भत्ता दे रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह मैसेज फर्जी है, भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही, कृपया ऐसे मैसेज फॉरवर्ड न करें। व्हाट्सएप ने नया अवतार पैक किया रिलीज। व्हाट्सएप ने कुछ समय पहले अपने प्लेटफॉर्म के लिए अवतार फीचर रोल आउट किया था। इस फीचर को यूजर्स ने काफी पसंद किया है, लोगों ने जमकर अपने अवतार क्रिएट किए थे। अब व्हाट्सएप ने इस फीचर का विस्तार किया है और अवतार पैक में कुछ नए स्टिकर्स ऐड किए हैं। अगर आपको अभी तक नए स्टिकर नहीं मिले हैं तो आप प्ले स्टोर व ऐप स्टोर से अपने व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर ले। WA बेटा इन्फो के लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार नए अपडेट में यूजर्स को नए अवतार स्टिकर्स दिए गए हैं जिसमें पहले से ज्यादा इमोशन और एक्सप्रेशन वाले स्टिकर्स शामिल है। अगर आपको भी स्टिकर पैक नहीं मिल रहा है तो आपको सबसे पहले व्हाट्सएप पर अपना अवतार क्रिएट करना होगा और फिर अपने व्हाट्सएप को अपडेट करना होगा। इतना करते ही आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे। बीते दिन हमारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत सिंह, अर्जुन राम, विजय कुमार मंडल, सदुल्ला पलवी, पुष्पेंद्र राय, पिंटू रजक, वेद प्रकाश सिंह, योगेंद्र रजक, बाबूलाल मरांडी, अतीक खान, सैलजा कुशवाहा, सलीम अंसारी, पंकज कुमार दास, सदरुद्दीन अंसारी, मुटुर रंगीला। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।